आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर क्या कि वृक्ष प्रत्यारोपण के संबंध में नीचे चार कथन दिए गए हैं, इसमें से दो सही कथन का चयन करना है ना। हम जानते हैं कि जब वृक्ष का प्रत्यारोपण किया जाता है, वृक्ष का प्रत्यारोपण जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किया जाता है, एक दाता से आदाता में किया जाता है, तो इस दौरान क्या होता है कि जो आदाता व्यक्ति होता है, आदाता व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र, आदाता व्यक्ति का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, खास करके कोशिका व्यवहारित प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया है ना, यह अपना प्रतिक्रिया देता है, वो भी कौन सा, टी कोशिका या टी लिम्फोसाइट है ना, यह प्रतिक्रिया देता है। और प्रतिक्रिया में ये क्या करता है, तो यह मुख्य रूप से जो है उस किडनी को यानी वृक्क को क्या करता है, वृक्क को बाहरी पदार्थ समझकर उसको नष्ट करने लगता है। तब ऐसे समय में डॉक्टर क्या करता है, उसको लंबे समय तक है ना, लंबे समय तक उसको दवाई दिया जाता है। यह दवाई उसके प्रतिरक्षा तंत्र को दबाए रखती है ना, उसके प्रतिरक्षा तंत्र को अक्रिय करके रखती है, ताकि वह वृक्क उस शरीर में स्थापित हो सके। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सही है और कौन कौन सा इसमें गलत है ना। पहला कहता है यहाँ पर कोशिका व्यवहारित प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया प्रत्यारोपण को अस्वीकार करने हेतु उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही होता है। वास्तव में कोशिका व्यवहारित प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया में जो टी लिम्फोसाइट है, वह इसके लिए जिम्मेदार होती है, वही इस वृक्क को बाहरी पदार्थ समझ करके अपना रेस्पॉन्स देता है और इसको नष्ट करने की कोशिश करता है। दूसरा कहता है यहाँ पर प्रत्यारोपण अस्वीकार करने हेतु बी लिम्फोसाइट उत्तरदायी होता है, तो बी लिम्फोसाइट तो गलत हो जाता है, टी लिम्फोसाइट जरूर होता है ना। कौन लिम्फोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट इसके लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब ये तीसरा नंबर यहाँ कथन जो लिखा हुआ ये गलत है। फिर चौथा हम कहता है वृक्क प्रत्यारोपण की स्वीकारिता अथवा अस्वीकृता विशिष्ट इंटरफेरॉन्स पर निर्भर करती है, तो इंटरफेरॉन का इससे कोई लेना देना नहीं है, यह तो विषाणु संक्रमित कोशिका जो होती है वहाँ से यह स्रावित होती है ना, यह जो है विषाणु संक्रमित कोशिका से यह स्रावित होती है, जो कि विषाणु को जो ये क्या करता है, यह पदार्थ यह विषाणु की वृद्धि और प्रजनन को रोकती है। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पर उपयोग नहीं होता है, तो ये चौथा कथन भी गलत है। तो यहाँ पर हमारे पास जो तथ्य दिए गए हैं, थोड़ी सी प्रश्न में भी गड़बड़ी है, एक से चार यहाँ कहा गया, लेकिन यहाँ पर दो से ही हमारा शुरू हुआ है, तो हमारा ये दूसरा नंबर सिर्फ सही है, तो जिसमें भी दूसरा नंबर होगा वो हमारा सही होगा है ना। तो यहाँ पर सब में दो दो कथन दिया गया है, तो पहला कथन चूँकि अभाव है तो निश्चित रूप से हो सकता है कि पहला सही हो और दूसरा सही हो, तो जो पहला दूसरा वाला होगा वो हमारा ज़्यादा सही होगा, यानी हमारा जो उत्तर सही होगा ये चौथा नंबर उत्तर सही होगा है ना। तो ये ठीक है, धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।